हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी का मैथ है। और एनसीईआरटी के मैथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 को। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमको क्या देखना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तुमने इससे पहले का लेक्चर देखा या तुमको संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसके अलावा जो तुम्हारा है पूर्ण संख्या, और इसके बाद इस पर जो संख्याएं होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में अगर तुमको अच्छे से नॉलेज है तो इस चैप्टर को करने में तुमको समस्या नहीं होगी। मेनली जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे। अधिकतर बातें अपरिमेय संख्या के बारे में होंगी। और इससे पहले हमको सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है एक परिमेय है 1.2। और ये परिमेय क्या कहता है, यदि पी एक अभाज्य संख्या है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करे तो पी ए को भी विभाजित करेगा। इसके बिना इस चैप्टर में हमारा काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, काम तो चलेगा लेकिन समझना तो पड़ेगा, बुक में दिया हुआ है तो क्या मतलब होता है इस परिमेय का, आओ देखते हैं। कह रहा है यदि पी एक अभाज्य संख्या है, तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा बोवा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हमने इससे पहले भी बताया भाज्य संख्या मतलब जैसे कि मान लो 15 है और 17 है, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर देखेंगे 15 में 3 से भाग लग रहा है, फिर 15 में 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 से भी भाग लग रहा है, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 15 में 1 से भाग लग रहा है, 15 बार में 15 हो जाएगा, और 15 में 15 से भाग लग रहा है, 1 बार में 15 एकम 15। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 17 में 1 से भाग देंगे, 17 बार में तो 17 हो जाएगा ये। देन हमारे पास जो है 17 में 17 से भाग लग जाएगा, 1 बार में 17 हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी और नंबर से यहाँ पर भाग नहीं लग रहा है। मतलब भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, 15 को भाज्य संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक और नंबर से विभाजित होता है उसको हम लोग भाज्य नंबर या भाज्य संख्या बोलते हैं। जबकि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो भाज्य और अभाज्य का क्लियर हो गया। जब हमको बोल रहा है यदि पी एक अभाज्य संख्या, मतलब ऐसा संख्या होगा, पी एक अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होगा। अब अभाज्य संख्या हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, 1 से शुरू होता है, 1 3, उसके बाद 5 7, उसके बाद 11 13 17 23, ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का समूह है ये। तो पी एक अभाज्य संख्या होगा और पी किसी संख्या को विभाजित करे, संख्या के वर्ग को विभाजित करे, तो पी उस संख्या को भी विभाजित करेगा। सिंपल सा ये थ्योरम है। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब पी ए को भी विभाजित करेगा। अब उदाहरण से समझ ले, आ जाओ, मान लो 2 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा, जैसा कि दिख रहा है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा, पूरा पूरी तो भाग लग जा रहा है। इसी तरह से 2 में भी अगर 4 में भी 2 से इसको विभाज करो, 4 में 2 से भाग दे दो, तो ये 2 दूनी 4। तो मोटा मोटी तुम्हारा थ्योरम यही है कि किसी संख्या का, अगर मान लो कोई अभाज्य संख्या है और वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो ये अगर समझ में आ गया है तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, साबित करना है हमको √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे साबित करेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ नई बातें हमारे सामने आती है तो हमारा माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन उस बात को अगर तुम करते जाओ, कोशिश करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे करके वो माइंड हमारा एक्सेप्ट करने लगता है। ये तुमने पढ़ाई के क्रम में भी ध्यान दिया होगा कई बार कि कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसी तरह की समस्याओं को, 3 4 समस्याओं को यदि हम करें तो वो समस्या हमको आसान लगने लगती है। ये हमारे माइंड का एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को तोड़ेंगे हम, समझेंगे √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। तो जो हमने पीछे पढ़ा है उससे हो सकता है थोड़ा अलग हटके हो, और इस तरह के प्रश्नों को हम कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास विधि से। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं जो प्रश्न में बोल रहा है साबित करने के लिए उसका उल्टा, फिर कुछ गुणों के माध्यम से हम अपने ही बात को गलत साबित करते हैं, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। आ जाओ क्या कह रहे हैं,
तो साबित करना है रूट दो एक अपरिमेय संख्या, जैसा कि हमने कहा अगर हमको रूट दो साबित करना है अपरिमेय संख्या जिसको मानना पड़ेगा कि यह परिमेय है, तो मानेंगे माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या ये? परिमेय संख्या। अब समझो यहाँ से अगर रूट दो परिमेय संख्या है तो हमको क्या पता है कि कोई भी परिमेय संख्या को हम पी ओपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे मान लो हम पाँच लिख रहे हैं तो पाँच को कैसे लिख सकते हैं? पाँच बट्टे एक और इसके बराबर में पी बट्टे क्यू कर सकते हैं, जहाँ पी का मान कितना हो गया पाँच और क्यू का मान हो गया एक। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको पाँच को पी बट्टे क्यू के रूप में हम लिख पा रहे हैं। इसी तरह से मान लो तीन बट्टा पाँच है तो यहाँ भी इसको भी पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। तो जितने भी परिमेय संख्या है सबको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। एक टर्म और आता है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी समझ लेंगे एक टर्म आता है उसको समझेंगे, अभी फिलहाल देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं, अगर रूट टू एक परिमेय संख्या है तो रूट दो बराबर लिख सकते हैं हम अपन पी बट्टे क्यू। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पी और क्यू हम मान लेते हैं, जहाँ पर पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है और Q डज नॉट इजकल टू जीरो, मतलब Q जीरो नहीं होगा, क्योंकि Q जीरो होगा तो वो अपरिभाषित है, वो सॉल्व भी नहीं होगा। तो Q बराबर जीरो जब होता है वो परिमेय संख्या होता ही नहीं, तो Q बराबर जीरो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, ठीक है। देन हमारे पास P और Q कोई पूर्णांक हो सकता है, यानी एक दो तीन चार और माइनस में एक दो तीन चार कुछ भी, उससे आगे तक में कुछ भी ले लेंगे हम चल जाएगा। देन एक बात देखना है हमको, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब होता है ना कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं तीन बट्टे छः, तो ये कट रहा है तीन दूनी छः, एक लिख रहे हैं दो बट्टे तीन, तो दो बट्टे तीन हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये नहीं कटने वाला। तो बस मोटा मोटी याद रखो कि ये कटने वाला नंबर नहीं है, जो पी बट्टे क्यू है ना, ये कटने वाला नंबर नहीं, हमने काट जो भी था वो काट करके पी बट्टा क्यू लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आई, ठीक है। तो देन इसको हमको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे में मान लो एक होगा, माना मानेंगे क्या होगा ही, रूट टू को क्यू से गुना करेंगे, रूट टू क्यू हो जाएगा बराबर में पी। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, सहभाज का मतलब है कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये सहभाज का मतलब हो गया, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। देन ये हो गया हमारा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। स्टेप बाय समझते चलो, बहुत आसान लगेगा, स्टेप बाय समझते चलोगे बहुत आसान लगेगा, नहीं तो फिर समस्या होगी। चलो जी, वर्ग करने का मतलब इधर भी वर्ग चढ़ाएंगे और इधर भी वर्ग चढ़ाएंगे, पावर दो करेंगे दोनों का, तो दो पी का वर्ग और पी का वर्ग। तो अगर हमको पता है इसको दो पी का वर्ग मतलब दो पी गुने रूट दो पी, रूट दो से दो हो जाएगा और पी पी को गुना करेंगे तो ये पावर एक है, पावर एक है, ये पावर दो होगा, तो ये तो हो जाएगा दो पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये दो पी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक मिनट, दो पी नहीं ये गड़बड़ हो गया, तो ये दो रूट दो क्यू का वर्ग होगा और ये होगा पी का वर्ग। तो यहाँ से जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेम बात होगा, रूट दो क्यू गुने रूट दो क्यू, अगर इसको गुना करेंगे रूट दो मिल करके हो जाएगा दो, और क्यू क्यू पर पावर एक है, क्यू पर पावर एक, तो क्यू पर पावर दो हो जाएगा, पावर गुना में छूट जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा दो क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, अगर हम लिखे क्यू का स्क्वायर तो ये हो जाएगा बराबर में पी स्क्वायर और बट्टे में दो। इसका मतलब यह है कि पी स्क्वायर को दो से भाग दे रहे हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि पी स्क्वायर दो से विभाजित है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण एक से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि पी स्क्वायर दो से विभाज्य है, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि यदि पी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो पी भी दो से विभाज्य होगा, जैसा कि हमने बात किया है कि मान लो कि दो से चार का स्क्वायर विभाज्य है तो दो से चार भी क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। चार का स्क्वायर 16, जो दो से पूरा पूरी विभाज्य होगा, और दो चार तो दो से विभाज्य है ही, तो होगा, इसका मतलब पी भी दो से विभाज्य है। अब विभाज्य होने का मतलब देखो यहाँ से गौर से, अगर छः में दो से भाग लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये दो तिहाई छः
इसका मतलब क्या है कि 6 को लिखते हैं तो 2 गुने 3 लिखते हैं और इसे 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि 6 में 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 6 में 2 भी है, अतः P में 2 का गुणनखंड है, P में 2 का गुणनखंड है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इधर नेक्स्ट ये हमारा समीकरण एक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं अब P बराबर हम 2m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P बराबर 2m। अच्छा, P बराबर हम 2m हमने क्यों माना, P बराबर 2m क्यों हमने माना? क्योंकि जो भी नंबर 2 से विभाजित होगा वो 2m के फॉर्म में होगा। कैसे होगा? ये तो हमारे सिलेबस में से ही हटा दिया, ये बड़ा गड़बड़ किया है। अगर हमारे सिलेबस में होता ना वो वाला प्रश्न जो आता था हम लोगों का, ठीक है, साबित करें कि 4q+1 विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो वहाँ से तुमको अच्छा से समझ में आता था। खैर चलो, हटा दिया, देख लेंगे जी। तो P बराबर अगर मान लो 2m क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 4 2 से विभाजित है, इसको 2 गुने 2 लिखते हैं, 6 ये 4 हो गया, 6 2 से विभाजित है, इसको 2 गुने 3 लिखते हैं, मान लो 12 2 से विभाजित है, इसको हम 2 गुने 6 लिखते हैं, मान लो कि 18 2 से विभाजित है, इसको 2 गुने 9 लिखते हैं। तो जहाँ पर ये जो 2, 3, 6, 9 है, ये m का वैल्यू अगर मान ले, तो ये तो 2m के फॉर्म में ही तो आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? ये 2m के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमने p बराबर 2m के फॉर्म में लिया, क्योंकि p 2 से विभाजित है। 2m समीकरण एक में रख देंगे, एक में रखने पर तो समीकरण एक देखना यहाँ से क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बट्टे में 2। देन इसको करेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह पर 2m कर लेंगे, इसको स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा बट्टे में 2, या क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बट्टे में 2, दोनी 4 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर होगा 2m स्क्वायर, या अगर हम m स्क्वायर बराबर लिखते हैं, ये गुनाम है, इधर आके भागवा में चला जाएगा, तो ये होगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू भी 2 से विभाजित है और क्यू में 2 का गुणनखंड है, ये बात हुआ। अब एक बात बता दो कि यहां पर क्या देख रहे हैं, पी में भी 2 का गुणनखंड है, क्यू में भी 2 का गुणनखंड है, लेकिन हमने माना क्या था कि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या तो यहां से लिखो, थोड़ा जगह बचा है, काम हो जाएगा ना। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमने माना था कि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पी क्यू में, यहाँ से देख लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, पी में भी 2 का गुणनखंड है और क्यू में भी 2 का गुणनखंड है, अतः हमारा मानना गलत है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो करना क्या पड़ेगा, कुछ बातें तुमको समझ में आई होगी, कुछ बातें हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हो सकता है। तो करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको 4-5 बार कर लो रिवीजन, प्रैक्टिस करो, फिर देन √3, √5, √7, √11, √13, √17, इस सब को तुम साबित करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे बातें क्लियर होती हुई चली जाएगी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ से लेकर एक्सरसाइज में जाते जाते √3, √5 तो हो ही जाना है, √7 तो हो ही जाएगा, जो भी बच जाएगा वो तुम खुद से करने की कोशिश करो।